आज मैं कैसे समय एनालिसिस किया जाता है, आपका अभी का समय कैसे कैसा जा रहा है। एक तो आप पहले किसी का भी प्रेजेंट टाइम कैसा जा रहा है। मेरे पास एक क्लाइंट ने बोला था, उनका तबीयत ठीक नहीं जा रहा है, तो तबीयत हम कैसे किस चार्ट से देखेंगे, तो हम देखेंगे D1 चार्ट से। तो D1 चार्ट फिजिकल आपका तबीयत एनालिसिस करने के लिए D1 चार्ट ही सबसे अच्छा चार्ट है। तो दशा से भी हम कर सकते हैं, जो वृहत पराशर हो रहा है, वृहत संहिता है, उस किताब में दशा से और वर्षफल से टाइम एनालिसिस किया है। ट्रांजिट को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया है, तो दशा देख सकते हैं। तो अभी 22 चल रहा है, तो मार्स दशा चल रहा है और अंतर दशा है मरकरी का। ये एडिस मेष लग्न की कुंडली है, जिनका लॉर्ड है मार्स। मार्स अष्टम स्थान में बैठे हैं, तो वो तो तबीयत तो बिगड़ना ही है। अष्टम घर जब एक्टिवेट होता है तो बहुत ही ट्रबल, डेथ लाइक सिचुएशन हो जाता है। और एनुअल एनालिसिस करेंगे, तो एनुअल हम 2021 लिखेंगे, क्योंकि नवंबर है बर्थ डेट, तो 2022 नवंबर तक हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे लग्न आया है कुंभ लग्न, जिनका लॉर्ड है शनि, और शनि बैठे हैं 12th हाउस में, यहाँ पे भी सेम है। और तिथि प्रवेश चार्ट भी हम देखेंगे। तिथि प्रवेश में स्कॉर्पियो वृश्चिक लग्न का कुंडली है, जिनका लॉर्ड है मार्स। और यहाँ पे मार्स बैठे हैं 11th हाउस में, और 11th हाउस में बैठ के और ये 6th हाउस में जो है, 4-7-8 दृष्टि है, उनका एस्पेक्ट है 4-7-8, 1-2-3-4-5-6-7-8 एस्पेक्ट से 6th हाउस को दिख रहा है। तो ये इतना भी बुरा नहीं है, तो छोटी खटी बीमारियां तो लगी रहेंगी। तो ऐसे ही हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो मैं इस चार्ट में मैं दूसरा एक मैं चार्ट भी होरा चार्ट भी मैं दिखाऊंगी। तो होरा जो अभी तो सबको पता है कि शेयर मार्केट में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि रशिया यूक्रेन के बीच जो प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए शेयर मार्केट में लगभग सभी का लॉसेस हो रहा है। तो इनका भी मैं बोला था कि थोड़ा देखने के लिए,
ताजा का देखते हैं। तो हम देखेंगे भाव चलित भावचक्र देखेंगे। भावचक्र देखेंगे, भावचक्र देखने से एक्चुअल पोजीशन जो है प्लैनेट का वो पता चलता है। तो लग्न लॉर्ड है सैटर्न, सैटर्न लिब्रा में बैठ राशि में है जो एग्जाल्टेड है, तो इतना भी बुरा नहीं है। तो प्रेजेंट टाइम हो सकता है खराब चल रहा है, लेकिन पूरे साल में उनका अच्छा ही होगा। तो अगर उनका अच्छा होगा तो सभी का अच्छा होगा। तो एक अगर पैसा निकल ना चाहते हैं तो मार्केट से इन्वेस्टेड मानी, तो जब भी मार्केट अच्छा प्रॉफिट उनको आ जाए थोड़ा सा, तो निकलने से अच्छा है, क्योंकि ये साल तो बेहतर है। तो सामने का साल देख लेते हैं कैसा है। सामने के साल में भी जो भी लग्न लड़ शान है और शान 10th हाउस में बैठे हैं और सैटर्न सिक्स एंड सेवेंथ हाउस का लॉर्ड है एंड थर्ड हाउस में बैठे हैं और एक्सल्टेड हैं, वो भी अच्छा है। तो मुझे नहीं लगता शेयर मार्केट में कुछ खास परेशानी आएगी, तो उनका इतना भी कुछ लॉस होगा। तो अगर विद पेशेंस बैठे रहते हैं, लॉस मैं नहीं कहूंगी कि लॉस बुक करे, तो अच्छा होगा कि धैर्य के साथ बैठ के प्रॉफिट के लिए इंतजार करें। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं एक सॉल्यूशन लेके आई हूँ, मैजिक कांजी सिंबल विथ स्विच वर्ड। तो अगर आप बिजनेस करते हैं तो ये सिंबल यूज कर सकते हैं, और ये सिंबल देख के टुगेदर होल डिवाइन बोलना होगा, और शेयर में ज्यादा लॉस हो रहा है ये सिंबल लगा के बी टुगेदर रीच काउंट बोलना होगा। तो अगर अच्छा लगे मेरा वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। आप लोगों का अगर किसी का कुंडली आप दिखाना चाहते हैं तो मैं देख सकती हूँ, तो मुझे मैसेज करें। जो मेरे दूसरे वीडियो में मेरा नंबर दिया हुआ है वहां पे मुझे व्हाट्सएप करें। तो शेयर करें ज्यादा करके, सब्सक्राइब करें। आप लोग क्या चाहते हैं और क्या जानना चाहते हैं वो भी बोले, तो मैं वैसा वीडियो आपके लिए बनाऊंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी। थैंक यू, धन्यवाद।